के बाद अब उत्तराखंड में भी डेंगू का कहर। देहरादून में मरीजों का आंकड़ा 400 के पार। प्रशासन की दलील, डेंगू से डरने की जरूरत नहीं। अमेठी दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी के काफिले को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रोका। वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर गाड़ी के आगे खड़ी हो गई महिलाएं। अंश की मौत मामले में हैलट के डॉक्टर, पीआरओ और वार्ड बॉय दोषी। कानपुर डीएम ने सीएम अखिलेश को सौंपी जांच रिपोर्ट। ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कामकाज बंद कर सड़क पर उतरे 15 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी। कई जगह हिंसक झड़प। आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका। हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह का दावा, आवाज ए पंजाब फ्रंट बनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को दिया तगड़ा झटका। जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामले में 1 करोड़ का लगाया जुर्माना। एक बार फिर दहला आतंकी हमले से पेशावर। क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमला, 2 की मौत, सभी हमलावर हुए ढेर। दाऊद और अनीस इब्राहिम पर गुटखा कारोबार करने के आरोप में सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। स्पेशल कोर्ट ने सबूत मुहैया कराने के लिए कई देशों को लिखा खत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े मामले में नया खुलासा। ब्रिटिश वेबसाइट का दावा, ताइवान प्लेन क्रैश में ही हुई थी नेताजी की मौत। फिल्म जगत में अजय देवगन की ऑडियो क्लिप ने मचाया बवाल। कहा, करण जौहर ने केआरके को अपनी फिल्म के बारे में अच्छे रिव्यू देने के लिए दिए थे 25 लाख रुपए।